क्या बोल रहा था? So this was a lot. Oops. Guys, क्या अर्थक्वेक आ रहा है? क्या ये ज्यादा कूल लग रहे हैं गाइस? क्या वेव है? So I'm back with another part of testing weird kitchen gadgets and I'm very curious to find out whether these work or not. Let's get started. So let's test these protective onion goggles jo ki almost 300 rupees ki hai. And this basically will prevent you from crying अगर आप प्याज काट रहे होता है. मुझे लगता है कि इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है तो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे watery eyes हो जाती है अगर कोई भी प्याज काट रहा होता है. And I know कि मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा funny लग रहा हूँगा तो comments में बताने की ज़रूरत नहीं है. मेरे पास यहाँ पर प्याज है. So now I'm going to test this and this better work because otherwise मैं पूरा दिन रोते रहूँगा. Okay, let's go. द वर्स्ट पार्ट इज कि मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है कि मैं क्या काट रहा हूँ बिकॉज मैंने स्पेक्स नहीं पहने हुए. तो ये थोड़ा सा डेंजरस भी है एक्चुअली. सो यहाँ पर इसमें ये फोम का पैडिंग भी है टू सील द आइज. ऑनेस्टली अगर घर में प्याज कट भी रहे देन इवन इफ आई एम इन अ सेपरेट रूम मेरी आइज वॉटरी होनी स्टार्ट हो जाती है. एंड अभी आई एम एक्चुअली प्रीटी कंफर्टेबल बिसाइड द फैक्ट कि मुझे दिख नहीं रहा है कि मैं अपने फिंगर्स काट रहा हूँ कि प्याज. आई थिंक थोड़ा लाइक आई कैन फील द पंजेंट थिंग इन माई नोज if you know what I mean, but eyes are absolutely okay. So I'm gonna give them a 9/10 and because ये काफ़ी ज़्यादा stylish भी है. ऐसे मुझे बहुत ही ज़्यादा Bobby Deol from Hamraaz Nakaab types feeling आ रही है. So I'm gonna give this a 9/10. Next up, let's test this engraved pen जो कि 299 rupees का है. एंड मैं पहले ही सबको हेड्स अप दे रहा हूँ, इफ दिस वर्क्स आई विल टर्न इनटू दैट ऑब्सेसिव आंटी जो हर चीज़ के ऊपर अपने बच्चों का नाम लिख देती हैं. और ये फेज ऑनेस्टली मेरी मम्मी का भी आया था जब हम लोग नाइट कैंप्स में जाना स्टार्ट हुए थे. लिटरली हर चीज़ पर, नाइट सूट्स पर, बेडशीट्स पर, मैट्रेसेस पर, हर चीज़ पर उन्होंने लिख दिया था मेरा नाम, विच वॉज क्वाइट एम्बेरसिंग. बट अगर ये वर्क करता है तो आई विल बिकम दैट पर्सन और मैं हर चीज़ पर लिखने वाला हूँ. दिस अपेरेंटली वर्क ऑन सिरामिक्स एंड ऑन मेटल एंड ऑन ग्लास. तो मैं हर चीज़ पर ट्राई करने वाला हूँ. एंड आई एम सॉरी बट वंस अगेन यू हैव टू सी मी इन दीज स्टूपिड ग्लासेस बिकॉज उसमें लिखा है दैट यू हैव टू वेयर प्रोटेक्टिव ग्लासेस. तो इन्होंने मुझे प्याज से प्रोटेक्ट तो कर लिया था तो आई एम होपिंग कि इससे भी कर लेंगे. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आई एम डूइंग इट ऑन सिरामिक. Disgusting. BWS लिखना था कि क्या बना है एंड इतनी गंदी आवाज. एंड ऑनेस्टली जैसे गंदे लोग नहीं होते जो मॉन्यूमेंट्स पर जाकर ऐसे की करके अपना नाम लिख देते हैं, ये उससे भी बुरा लग रहा है ऑनेस्टली. ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सा जो इन्होंने गैजेट बनाया है. आई एम गोना ट्राई इट ऑन मेटल ऑल्सो. ये मेरे पास बहुत ही ज्यादा कूल लुकिंग वो है. Oh God. इसकी जगह ना मुझे एक सेफ्टी पिन दे दो. मैं सेफ्टी पिन से स्क्रैच कर करके इससे बेटर लिख सकता हूँ टू बी ऑनेस्ट. मतलब इसका इन लोगों ने ग्रिप एंड ऑल बहुत अच्छा बनाया है बिकॉज ये कंफर्टेबली पकड़ा जा रहा है. बट व्हेन इट स्टार्ट्स इट्स गोइंग कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल. एंड दिस इज नॉट कॉल्ड इनग्रेविंग, दिस इज कॉल्ड स्क्रैचिंग द सर्फेस एंड दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. ग्लास में भी ट्राई कर लेते हैं. ये वाला सबसे ज़्यादा स्कैरी होने वाला है बिकॉज आई होप ये ग्लास शैटर ना हो जाए. बस कुछ हो रहा है बिकॉज मुझे नहीं दिख रहा. लाइक लिटरली द मोस्ट यूजलेस थिंग एवर. इसको तो मैं ऑनेस्टली देने वाला हूँ 1/10 बिकॉज मुझे इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन. मैंने अभी भी क्यों पहना भाई, माय वे सॉरी. इसको मैं देने वाला हूँ 1/10 बिकॉज मुझे इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी एंड मुझे लगा कि जेन्युइनली लाइक इसे थोड़ा सा डीपली और प्रॉपरली इनग्रेव करेगा. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सो दिस इज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग. सो आई एम नाउ टेस्टिंग अ सेल्फ स्टरिंग मग. और इस पर लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा लिख दिया है कि किसी को कन्फ्यूजन ना हो कि ये एक सेल्फ स्टरिंग मग है. एंड इसमें लिखा था कि मैक्सिमम रिजल्ट्स विद मिनिमम एफर्ट. तो मतलब आई थिंक आजकल पीपल डोंट इवन वांट टू मेक दिस मच एफर्ट.
बट आई थॉट कि इट स्टिल बी फन टू ट्राई इट आउट. सो इसके अंदर आई एम गोइंग टू ऐड सम मिल्क, कॉफी एंड शुगर. इसके साथ यहाँ पर एक लिड भी दिया हुआ है, बट आई एम गोइंग टू स्टर इट विदाउट द लिड ऑन सो दैट यू कैन ऑल्सो सी. द स्टर बटन इज हियर, आई एम गोइंग टू प्रेस दिस. Shit, I am sorry I made fun of this, but this is actually so cool. And इसका मोटर का आवाज इतना फेंट था कि मुझे लगा कि इससे तो कुछ भी नहीं होगा, but this is actually looking so cool. And you can see that coffee already has become so nice and frothy in just like 2 seconds. I am honestly so surprised, and I guess at least मुझे तो अपने लाइफ में इसकी ज़रूरत है. Who knew that I'd need a self-stirring mug? I'm gonna rate this a 9/10, especially because I'm so surprised that this is actually working out so well. बहुत ही बेकार कॉफी बनी है, but the mug is amazing. Next up, I am testing this very cute mini waffle maker. ये honestly इतना ज़्यादा cute और छोटा है, ऐसा लग रहा है कि किसी अंबानी किड को घर घर खेलना होगा तो उन्होंने ये बनवा दिया के लिए कि ये लो इससे खेलो. दिस इज़ 999 रुपीज़ का एंड डेफिनेटली द क्यूटेस्ट वॉफल मेकर आई हैव एवर सीन. सो अगर मे बी किसी को एक बहुत ही ज़्यादा बड़े वॉफल मेकर में ऑलरेडी इन्वेस्ट नहीं करना है, मे बी दिस इज़ अ गुड प्लेस टू स्टार्ट विथ. बट लेट्स टेस्ट इट. मेरे पास यहाँ पर एगलेस वॉफल का बैटर है, इसका रेसिपी आई लीव इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड नाउ लेट्स मेक सम वॉफल. Alright guys, so it's been 5 minutes, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है इतने छोटे से वॉफल कुक करने के लिए. एंड दिस इज़ रेडी, कलर इज़ कम एंड इट्स लुकिंग परफेक्ट. बट दिस वन इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट राइट नाउ एज यू कैन सी. सो इसको थोड़ा सा आई लेट इट कूल डाउन अ लिटिल टू सी अगर ये क्रिस्प होता है कि नहीं. सो गाइज ऑनेस्टली ये वॉफल बहुत ज़्यादा क्यूट बना है एंड अब ये थोड़ा सा आउटसाइड पर क्रिस्प भी हो रहा है. सो आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर समबडी जिसके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है या अगर आप वॉफल मेकर ज़्यादा ऑफन यूज़ नहीं करते हो. पर्सनली एज अ कंज्यूमर माई ओनली कंसर्न इज कि इसका लॉन्जिटिविटी कितना है, बिकॉज ये एक प्रॉपर ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है. तो मैं पर्सनली आई वुड रैदर इन्वेस्ट 1000 rupees मोर एंड गेट अ बिगर वॉफल मेकर फ्रॉम अ प्रॉपर ब्रांड जिसका वारंटी होगा, जिसका सर्विसिंग का कोई ऑप्शन होगा. बट आई थिंक ये शेप बहुत ज़्यादा क्यूट है एंड वॉफल भी काफ़ी अच्छा ही बना है एक्चुअली. रेटिंग आई एम गोना रेट दिस a 9.5 out of 10. And अगर आपको खरीदना है नहीं, वो literally आपके needs and आपके budget पे depend करता है. Now let's test this pop chef fruit shaper situation जिससे आप mouth watering masterpieces बना सकते हो. But इस बेचारे की खुद की हालत देख के लग रहा है कि इसने ज़िंदगी में काफ़ी ठोकरें खाई हैं और ये बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचा है. तो इसको ओप्स, इसमें बहुत सारी शेप्स है लाइक सर्कल, हार्ट, फ्लावर, बटरफ्लाई, सन, स्टार, तो काफ़ी वैरायटी है. एंड एक बहुत ही वियर्ड लुकिंग मशीन है एंड इसमें यू कैन सेट योर अटैचमेंट. सो आज मैं फ्लावर वाली अटैचमेंट यूज़ कर रहा हूँ. एंड यहाँ पर मेरे पास एक वाटरमेलन का स्लाइस है, तो इसमें आई एम गोइंग टू पुश द कटर. ये फ्रूट निकल ही नहीं. ट्राइंग टू नॉट लूज माई कूल एट दिस मोमेंट. ओके ठीक है, ऑल राइट. यार फिर से निकल गया. बट ये इतना प्रॉपरली कट नहीं हुआ है बिकॉज ये जो अटैचमेंट है ये प्लास्टिक का अटैचमेंट है, तो उसके एजेस इतने ज़्यादा शार्प नहीं है कि वो प्रॉपरली फ्रूट को कट इनटू करे. माय ओनली कंसर्न इज कि ये थोड़ा फ्लिम्जी एंड इरिटेटिंग तो है, बहुत इरिटेटिंग तो है टू यूज़. सो आई मतलब मेरे पास अगर कुकी कटर्स हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं एक प्रॉपर मेटल की कुकी कटर से ये शेप कर सकता हूँ ईजिली. एंड मेरे पास बहुत सारे कुकी कटर्स है लाइक बिल्ली शेप्ड, पम्पकिन शेप, हार्ट शेप, बटरफ्लाई शेप,
तो ये वाली शेप्स ऑनेस्टली मेरे लिए ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है एंड आई जस्ट फील दैट इसके लिए आपको इतनी प्रॉपर एंड जो इन्होंने ऊपर इतना फैंसी हवा का वो बनाया थिंकिंग कि आप इसको ऐसे करके पॉप करोगे तो बहुत स्मूथली आपका फ्रूट निकल आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. सो आई एम गोइंग टू रेट दिस अ 3 or 4 ले लो, चलो 4 ले लो आउट ऑफ 10 बिकॉज आई रादर यूज अ कुकी कटर, मुझे ये नहीं चाहिए टू बी ऑनेस्ट. सो दिस वॉज अ लॉट ऑफ फन एंड आज की वीडियो में मुझे 3 गैजेट्स पसंद आए जिनमें से 2 से मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, विच वॉज द अनियन गॉगल्स एंड द सेल्फ स्टरिंग मग. लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आपको कौन सा गैजेट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा एंड इफ यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट वीक विद अनदर एपिसोड ऑफ टेस्टेड बाय शिवेश.